दोस्तों, अगर आप भी वेजिटेरियन हो और आप भी बॉडी बनाना चाहते हो तो पूरे दिन में क्या खाना चाहिए? दोस्तों, सुबह उठ के गर्म गुनगुना पानी पिए, क्योंकि यह पेट के लिए काफी अच्छा होता है। फिर आप ब्रेकफास्ट में भुने हुए चने का चाट बना सकते हैं, जिसमें काले चने, वन लेमन, चाट मसाला, ओनियन, टोमेटो को मिक्स करके खा लीजिए, और साथ में एक बनाना भी खा सकते हैं। याद रहे कि हमारा ब्रेकफास्ट 9 से 10 बजे के बीच में ही करना है। उसके बाद हमें 1 से 2 बजे के बीच में लंच करना है, जिसमें हाई प्रोटीन फूड खाने हैं, जिसमें हम 100 ग्राम पनीर की सब्जी, 4 चपाती, दाल खानी है, साथ में सलाद जरूर ऐड करना है, ताकि हमारा खाना अच्छे से पचेगा, क्योंकि सलाद में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। दोस्तों, अगर आप भी जिम इवनिंग में करते हैं तो जब भी जिम जाएं उससे 30 मिनट पहले 2 बनाना जरूर खाएं, ताकि जिम में वर्कआउट के समय आपको थकान महसूस ना हो और आप अच्छे से वजन लिफ्ट कर सकें। कम से कम आपको 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है, जिससे आपकी बॉडी जल्दी बने। जिम के बाद दोस्तों आपको वे प्रोटीन लेना है, ताकि आपको जो भी मसल टूटा है वो अच्छे से रिकवर हो सके और आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो भी पूरा हो सके। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते हैं तो आप डायरेक्ट डिनर कर सकते हैं। डिनर में हमें दाल, साथ में कोई सब्जी, 3 चपाती, थोड़े चावल और सलाद खाना है, और ये हमारे आज की आखिरी मील। जब भी हम सोने जाएं उससे पहले 1 गिलास मिल्क पी लें, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो सके और नींद अच्छी आ सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर हमारी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में एक ही बात, जय श्री राम।